स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वाल पोखर के बीच में, जहाँ पे जुलूस ए मोहम्मदी का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ के जो विधायक है और राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब खुद खड़े हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर इस्तकबाल कर रहे हैं जुलूस ए मोहम्मदी को यहां के जो विधायक और राज्य के मंत्री। हम सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करें सर। तो वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जुलूस ए मोहम्मदी में जितने लोग भी शामिल हुए हैं वो तस्वीरें इस वक्त आपको यहाँ के जो विधायक है गुलाम रब्बानी साहब के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के जो कर्माध्यक्ष है गुलाम रसूल, वो भी जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से लोगों को वो पानी दे रहे हैं। जो लोग जुलूस में इसकी धूप में है उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो एक तस्वीर यहाँ पे निकल कर सामने आई है जहाँ पे खुद अपने हाथों से लोगों को वो पानी तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको। क्या कहेंगे सर आज के इस जुलूस की मोहम्मदी के बारे में लोगों का आप सवाल करेंगे? देखिए, मैं तो पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग कवरेज करने के लिए आए हमारे मोहम्मदी जुलूस में, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की पैदाइश है, इसलिए आज उसी के इसमें हम लोग जुलूस निकाले हैं। पूरे ग्वालपुखर में हम लोग टूर किए, पंजपरा से अभी आए हम, काफ़ी तादाद में आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश में जुलूस में निकले हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और रहा सवाल, देखिए हमारे बंगाल का कल्चर, बंगाल कितना शांति है। आज लक्ष्मी पूजा भी है, हमारे मिलादुन्नबी भी है, हम लोग दोनों एक साथ मना रहे हैं। लक्ष्मी पूजा भी इधर मना रहे हैं, इधर हमारे मिलादुन्नबी भी मना रहे हैं। हम लोग कौमी एकता का पहचान, ये कौमी एकता का पहचान है हमारे बंगाल का, हमारे ममता बनर्जी का पहचान है। हमारे ममता बनर्जी हर वक्त बोलती है कि सिख ईसाई क्रिश्चन मुस्लिम हिंदू सब एक साथ हम लोगों को चलना है, बंगाल को तरक्की में लाना है, बंगाल में डेवलपमेंट करना है। उसी का एक मिसाल है आज हमारे ग्वालपुर में, हमारे बंगाल में। हम चाहते हैं पूरे भारत में इस तरह का मिसाल बने और दंगे का और घृणा का राजनीति ना करे, सबको मिलजुल करके आप हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाए। मंत्री साहब इस्तेमाल में लगे हैं लोग जी, सभी को हम लोग हैं। जैसे इससे पहले हम लोग दुर्गा मंडप में गए, दुर्गा मंडप में हर मंडप में जाकर के हम लोग दुर्गा मंडप में जाकर के शामिल हुए, उसके बाद आज हमारे पुलिस में शामिल हैं। देख सकते हैं खुद अपने हाथों से बच्चों को वो खुद पानी दे रहे हैं। जो लोग जुलूस में शामिल हुए गुलाम रब्बानी साहब अपने हाथों से दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त। आराम से आराम से। तुम्हारा क्या घूमेगा? चकली लोग घोड़ा से आना।
तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हम आपको बता दें, हम गोलपोखर के विपरीत मोड़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल लोगों को जो है इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब खुद सड़क पर खड़े हैं। उनके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर सफीउर रहमान साहब भी यहाँ पे खड़े हैं और तमाम लोग एक एक करके लोगों को पानी के बोतल दे रहे हैं, ताकि जो लोग जुलूस में शामिल हैं उनको परेशानी नहीं हो, पानी की समस्या नहीं हो। बच्चे शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं, तो सभी को वो एक तरह से अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। तो वो तस्वीरें इस वक्त आप सीधे तौर पर मिस्टर इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आप इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बता दें, ग्वालपोखर के डुबरी से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं यहां के विधायक, ग्वालपोखर विधानसभा के विधायक और राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी। उनके साथ साथ जो है PWD कर्मोदक गुलाम रसूल जिला परिषद सदस्य हैं और उत्तर दिनाजपुर PWD पोर्टो के कर्मोदक हैं, वो यहाँ पे हैं। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर सफीउर रहमान साहब हैं। तो सभी लोग जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही साथ एक पैगाम जो अमन और शांति का पैगाम है वो देने की, भाईचारे की पैगाम देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आप इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो हम इसी तरह की जो जुलूस ए मोहम्मदी आज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पर जो जुलूस ए मोहम्मदी निकाली जाती है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।